भारतीय सेना के दम से थर थर कांपा पाक। जब पाक के सीने पर सेना ने दिखाया अपना दम, जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से तनाव के बीच भारतीय सेना ने आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। पाकिस्तान को लगता होगा कि वो बालाकोट जैसे आतंकी शिविर को फिर से एक्टिव कर भारत को परेशान कर लेगा, तो वो पहले जान ले कि अगर इन आतंकियों ने एक बार फिर भारत में घुसने की कोशिश की तो भारतीय सेना पाक के अंदर जाकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेगी कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी उसे भूल नहीं पाएगी। पाकिस्तान ने जिस तरह से बालाकोट शिविर को एक्टिव कर दिया है, जैश जैसे तमाम आतंकी संगठनों को खुला छोड़ दिया है, उनसे निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार हैं। सेना ने आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑप्स डिवीजन यानी AFSOD का गठन किया है, जिसमें तीनों सेनाओं के स्पेशल कमांडो को शामिल किया गया है, जिसकी पहली झलक देखने को मिली पाकिस्तान से सटे कच्छ बॉर्डर पर, जहां तीनों सेनाओं के स्पेशल कमांडो ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। सेना ने इस वॉर ऑपरेशन का नाम दिया स्माइलिंग फील्ड। ये पहला मौका है जब तीनों सेनाओं के स्पेशल कमांडो इस तरह के युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। दरअसल AFSOD डिवीजन देश की क्रैक यूनिट की तरह काम करेगी, जो देश के अंदर या दुश्मन देश में घुसकर भी ऑपरेशन करने के लिए तैयार की गई है। इसमें जल, वायु और थल सेना के स्पेशल कमांडो को शामिल किया गया है। AFSOD का प्रमुख एक 2-स्टार मेजर जनरल रैंक का अधिकारी बनाया गया है, जिसका चीफ थल सेना का होगा। साइबर केस की जिम्मेदारी नौसेना के रियर एडमिरल की होगी। वायुसेना के एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी स्पेस एजेंसी देखेंगे। दरअसल स्पेशल आर्म फोर्स में कुल 2000 कमांडोज हैं। इनमें 1000 थल सेना के पैरा SF कमांडो हैं और बाकी 1000 वायुसेना के गरुण और नौसेना के मार्कोस कमांडोज हैं। AFSOD का पहला युद्धाभ्यास गुजरात के नालिया में किया गया। ये पाकिस्तान की सीमा से सटा इलाका है और यहाँ पर थल सेना और वायुसेना दोनों के अहम बेस हैं। आपको बता दें कि हाल ही में आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को मिलाकर एक ट्राई सर्विस एजेंसी बनाने की घोषणा की थी। ये ट्राई सर्विस अब आतंकियों का काल बनकर देश की रक्षा करेगी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने भी कहा था कि अब अगर जरूरत पड़ी तो हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी कार्रवाई कर सकती है। आइए आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। It's been reactivated by Pakistan. What else? When it has been done? Very recently. Sir. So obviously that shows that Balakot was affected. It had been damaged and destroyed, and that is why people had got away from there. It has now been reactivated, which just goes to highlight that yes, some action had been taken by the Indian Air Force at Balakot, and now they've got the people back there. Why must you expect repeat of a similar thing? Earlier we did something, then we did Balakot. Why must we repeat that? Why not keep the other side guessing as to what we will do? Why tell him what we are going to do? Yeah. Why not keep him guessing? So why say repeat? Why not something beyond that? Thank you so much. Yeah, you see, these numbers keep fluctuating, but I would say yes, there are at least 500 people who are waiting to infiltrate. That is the minimum number I would say, but these numbers keep fluctuating because depending on how the weather pattern is and they keep moving. Now you see what's happening is as the snowfalls have melted, the ice has melted, the shift has taken place towards the northern part of JNK, towards Gurez, Kandalwan, those areas are getting activated. Now as the temperature keeps falling and the snow starts coming in, they start coming in to areas which are less snowbound. So these figures keep fluctuating where the terrorists are. Pakistan is also
attempt, you know, infiltrating from various areas where they find that they are likely to get success, they push them into those areas. But as of now, we have taken adequate measures. We have pushed in more troops. We have increased our deployment, thickened our deployment along the line of control to ensure that infiltration is curbed to the maximum extent. But however, now other areas along the IB are also being exploited.